हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके लाइक और सब्सक्राइब ने हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की प्रेरणा दी है और इसी तरह से आपका प्यार और विश्वास हमें मिलता रहेगा तो हम आगे की वीडियोस बनाते चले जाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो में हम आपको एक नया ट्रिक सिखाते चले जाएंगे। और वक्त की यही मांग है कि वक्त के साथ चलना, और कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने फ्रेंड से पीछे रह जाएं। और जिनको ये वीडियो मिल चुकी है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि आपका फ्रेंड भी इन नई टेक्निक को सीखकर आगे की ओर बढ़ सके। तो चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिंगर्स के वैल्यूज के बारे में बताया था, आज मैं फिर से रिवाइज करती हूँ और आज के टॉपिक की ओर चलती हूँ। तो सबसे पहले हमारा राइट हैंड की फिंगर्स में जो वैल्यू है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिंगर्स की वैल्यू 1, 1 और 1, दैट्स 1 है, और थम्स की वैल्यू आपकी 5 है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड के में जो फिंगर्स की वैल्यू है वो 10, 10, 10 और 10 है, और थम्स की वैल्यू 50 है। तो चलते हैं, आज हम फुल काउंटिंग फिंगर में सीखेंगे, क्योंकि सबसे पहले अबैकस की काउंटिंग में हमारा फिंगर काउंटिंग आता है। ठीक है, तो फिंगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। लिसन केयरफुली, कागज पेंसिल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और हमारे साथ प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। नाउ स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 10, ओके। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 and 99. तो ये हो गई आपकी फिंगर्स की काउंटिंग। आपने भी रिवाइज किया होगा, सेंटर में जो बच्चे बैठे हैं इन्होंने हमारे साथ किया है, और आप घर बैठ के इसे आराम से अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ इस फिंगर काउंटिंग को प्ले कर सकते हैं। और इजी वे में ओनली 5 मिनट में आप फिंगर काउंटिंग को लर्न कर सकते हैं। तो जिन्होंने सीखा है उनकी ऑल द बेस्ट, और जिन्होंने नहीं सीखा है तो आप उन्हें जाकर सिखा देंगे या हमारी वीडियोस को उन तक पहुंचा देंगे, तो वो भी आपकी तरह सीख जाएंगे और आपके साथ काउंटिंग को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अबैकस टूल्स। अबैकस टूल्स में आज आपको मैं 0 से 9 तक की बीट्स के बारे में बताऊंगी। रेडी रहिए।
गुड। तो आपने फिंगर्स की काउंटिंग की प्रैक्टिस कर ली। अब चलते हैं, यह हमारा एबेकस टूल है, जिन्हें चाइनीज के पर्सन या तो जो ट्रेडर्स होते थे इन्हीं टूल्स को यूज करके अपने कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई कैलकुलेटर्स या कोई मशीन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इनके पास ये छोटे छोटे टूल्स हुआ करते थे जो लकड़ी के वुड्स के बने होते थे, उन्हीं में ये अपने पत्थर या पेबल्स या कोई सर्कस रख के उसी के अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करते थे। तो आज इन्हीं टूल्स के हम आपको फिंगर्स और जो बैकेज की जो काउंटिंग है या जो नंबर्स है काउंटिंग है वो आपको मैं सिखाऊंगी। और अबेकस टूल्स तो आपको कहीं लेके जाना नहीं है, बट इन्हीं पिक्चर्स को अपने माइंड में रखते हुए आप कहीं पे भी जाकर अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक लेवल आपका यही होता है कि इन बीट्स के सहारे आपको काउंटिंग सीखनी है और इन्हीं बीट्स के सहारे आपको सारे मैथ्स के कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। और जब बड़े से बड़ा सम करना है आपको, तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि बिना बेसिक प्रैक्टिस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें 10 सीढ़ी स्टेयर चढ़ना है तो हमें हमेशा जीरो से ही चलना होगा, कहीं दैट अब 5 स्टेयर्स में या 7 स्टेयर्स में नहीं आ सकते, तो हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करना होगा। अब आपने हमारी कुछ वीडियोस देख रखी हैं, तो जहां से आपको अब तक फिंगर्स में 0 से लेके 99 तक के काउंटिंग इजिली याद हो गए होंगे और लर्न हो गए होंगे। अब इसकी बारी है, इसके सहारे हम क्या करते हैं, काउंटिंग सीखते हुए हम एडिशंस को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके 5 डॉट्स बने हुए हैं, इन 5 डॉट्स को अपने माइंड में रखते हैं। तो जो मिडिल डॉट्स है इसे हम 1 की प्लेस मानते हैं। क्या मानते हैं इन्हें हम? 1 की प्लेस मानते हैं, और इसी 1 की प्लेस में आपका सारा वर्क आपका होता है। ये 1, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। और जो इधर की प्लेस वैल्यू है आपके डेसिमल फ्रैक्शंस के काम आती हैं। तो आज का मेरा जो टारगेट है वो है 1s। हम आज ओनली 1s को लेके चलेंगे, 1s की रॉड्स को लेके चलते हैं। तो टेक, तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसे हम कैसे कर रहे हैं अपने साथ, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि 1s अदर्स जो रॉड्स है उन्हें मैं हाइड कर दे रही हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो अदर रॉड्स है उन्हें मैं हाइड कर दे रही हूँ, और इसके साथ साथ फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आपको केवल आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? 1s के डॉट पर। आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? 1s के डॉट पे है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, 1s के डॉट्स को। ठीक, दिस इज अ 1, 2, 3, 4, 5 ये आपकी बिट्स हैं। अब हमें काउंटिंग करनी है, तो एडिशन में जब हम एक एक नंबर को फॉरवर्ड करते हैं तो हम फिंगर्स को अप करते चले जाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे बीट्स को भी अप करते हुए चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, then 5, 5, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 and 9। अब आपके जब ये 1s की फिंगर्स हो गई, 1s की बीट्स हो गई, तो 1s के बगल में कौन सी बीट्स आ रही है? 10 की प्लेस। 1, 10, 10 की प्लेस आ रही है। 10 की प्लेस में ये 10, 20, 30, 40, then 50, 50, 10, 60, 50, 60, 70, 50, 60, 70, 80, 50, 60, 70, 80 and 19। अब ये आपकी 90 हो गई। अब इसी पे हमें अपना और भी वर्क करना है। जैसे मैंने बोला 11 प्लस 3 का मतलब है कि 10 प्लस 1, 10 और ये 1। अब 3 ऐड करना है, 1, 2, 3, तो कितने हो गए आपके पास?
10 for 14। तो नेक्स्ट हम और भी एग्जांपल्स आपके साथ लेते रहेंगे, और आज के डेट में आप फिंगर काउंटिंग और ट्वेल्व काउंटिंग को बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट करके रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।